अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर सैयद शेबुल इस्लाम, आवेदक हूँ 359 विधानसभा क्षेत्र। सोएब जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है, तो क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है इस समय? देखिए, हमारे क्षेत्र की जो स्थिति है सपा के पाले में, नई हवा नई सपा, और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आ रही है, जिसकी अगुवाई बढ़िया करेगा। तो जो इससे पहले जो भी नेता रहे हैं आपके क्षेत्र में, उन्होंने कितना विकास किया और कितना सिकंदरपुर को में योगदान दिया उन्होंने? देखिए, मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय संजय यादव जी, और इन्होंने धरातल पर काम नहीं किया। सिकंदरपुर की जो रिक्वायरमेंट थी, विशेष तौर पर हमारे यहाँ लगभग इस वक्त 57,800 समथिंग यूथ वोटर हैं, और नौजवानों की अपनी मांग है, रोज़गार, शिक्षा, इसके केंद्रों की स्थापना नहीं। रोज़गार के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कोई प्रयास क्षेत्र में नहीं किया। गुलाबों की नगरी कही जाती है, इत्र उद्योग सिकंदरपुर का पुराना उद्योग रहा है, इसको बढ़ाने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए, इसके पुनर्स्थापना के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। और अन्य भी समस्याएं हैं, नहरें सूखी रहती हैं, रोडवेज बस स्टेशन सिकंदरपुर में होना चाहिए, लंबे समय से मांग है, ये नहीं हुआ। मिनी स्टेडियम की मांग रही है खेल प्रतिभाओं को कौशल विकास के लिए, ये नहीं हुआ। कई ऐसे काम हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीनें हर साल बाढ़ में प्रभावित होती हैं, उनको बचाने का भी प्रयास होना चाहिए स्थायी रूप से, वो भी नहीं हुआ। कोई बंदे का निर्माण नहीं हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में बहुत पहले हुआ था, वही था। तो अगर अखिलेश जी आप पे विश्वास करते हैं, अगर आपको टिकट मिलती है वहाँ से, तो कितने उनके वादों पर खड़े उतरेंगे आप? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी उत्तर प्रदेश की जनता से किया गया वादा है, ये तो अक्षरशः एक एक इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ दें। उसके अलावा भी क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं या जनता की जो अपेक्षाएँ अन्य मुद्दों पर भी हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि अपनी सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उसको पूरा करा। सबसे ज़्यादा कौन सी अहम मुद्दा है आपके क्षेत्र का जो सबसे पिछड़ा हुआ है उस चीज़ का? देखिए, स्वरोजगार, पूरे सिकंदरपुर में रोज़गार की कमी है, और नौजवान अनएम्प्लॉय होकर घूम रहा है डिग्री लेकर के। हम चाहेंगे कि इस पर विशेष तौर पर हम लोग काम करें, रोज़गार के केंद्र लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की योजनाएँ हैं, और हम उसके साथ नौजवानों को रोज़गार। तो अगर अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो आप उस इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे सिकंदरपुर के नौजवानों को? देखिए, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों से लिखित आवेदकों से सुझाव भी मांगा था, और मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रख करके लगभग 11 बिंदुओं का सुझाव उनको लिखित रूप से मैंने देने का भी काम किया है, और उसमें नौजवानों विशेष तौर पर 18 से 35 साल के युवाओं को केंद्रित करके उन सुझावों को दिया गया है कि इनको तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ऐसे केंद्रों की स्थापना हो, तकनीकी रोज़गार की आवश्यकता है। और जो समाजवादी पार्टी के सरकार में कुछ योजनाएं चलती थी, जैसे टर्म लोन योजनाएं, ऐसे छोटे लघु योजनाओं को बढ़ाने के लिए, ठेला लगाने वालों के लिए, पंचों वालों के लिए, ऐसी योजनाओं को पुनर्स्थापित कराने के लिए भी हमने सुझाव दिया।